हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट मथुरा में। हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6 है, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको 5th एक्सरसाइज तक कवर करा चुका हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या आप मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम 6th एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं और बताएंगे कि किस तरीके से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले आपको एक फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है। वो फॉर्मूला क्या है बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला है एन एक्स यूनियन वाई, क्लियर, इज इक्वल टू एन एक्स ओके प्लस एन वाई ओके और माइनस एन इंटरसेक्शन सॉरी एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या है ये फॉर्मूला? जब ये आपको लर्न होगा तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में होने वाला है। देखें अब ये क्या कह रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। देखो, यूनियन आप ठीक है, एक्स है, वाई की वैल्यू है, आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इसमें वैल्यू रखने वाला हूँ, यानी इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है क्या 38, 38 इसकी वैल्यू है। ठीक है, एन सॉरी इसकी वैल्यू है मेरे पास 17, इसकी वैल्यू 17 है, प्लस इसकी वैल्यू है 23, इसकी वैल्यू 23, माइनस इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। अब इस वाले पार्ट को उठा के मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये मुझे वैल्यू मिली एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्लियर, इज इक्वल टू वाई वाई। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, 17 प्लस 23 माइनस 38 ओके। जब मैंने इसे देखा तो ये रहेगा आपका 40, 40 और माइनस 38, आंसर हुआ आपका 2। यानी 2 ऐसे मेंबर रहेंगे जो एक्स और वाई के दोनों ग्रुप में शामिल रहेंगे। देखिए, ये है, मान लीजिए कोई एक ग्रुप है, यानी कि कोई एक सेट है एक्स, तो ये कोई एक सेट है वाई, ये वो है कि दोनों एक साथ हो जाए तो 38 बैठ रहे हैं, ये वो है कि दोनों एक साथ मिलकर इकट्ठे हो जाए तो 38 बैठेंगे। अगर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, दोनों ग्रुप जो दोनों में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन भाई, यदि x और y ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y 18 है, तो मैं इसे लिखूंगा n x यूनियन y इज इक्वल टू 18, क्लियर, x यूनियन y इज इक्वल टू 18। तो n x यानी कि x कितना है मेरे पास 8 है, और n y कितना है मेरे पास, n y है मेरे पास 50। तो आपको इंटरसेक्शन निकालना है, सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला फॉर्मूला था, अब देखेंगे फॉर्मूला क्या था, एन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई एन एक्स सॉरी एक्स है भाई ये, एन एक्स प्लस एन वाई ठीक है, एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ओके, ये फॉर्मूला था। चलिए अब इसमें आप रखिए, देखो यूनियन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यूनियन की वैल्यू 18, 18 यहाँ रखा, क्लियर, एन एक्स की वैल्यू 8 ठीक है, प्लस 15 माइनस ये एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा, यहाँ एन आया होगा एन ठीक है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस 18 ओके। अब इनको मैं ऐड करूंगा तो 23 माइनस 18, क्या आपके पास आंसर आया 5 ओके। तो ये आपका आंसर रहा, यानी 5 ऐसे मेंबर रहेंगे दोनों ग्रुप में शामिल रहने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि एक कोई सेट है जिसमें 14 जो है व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए मैं इसे कह देता हूं एक्स ठीक है, एक्स पहले सॉरी पहले इन्हें देख लेते हैं। देखिए हिंदी 200 बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं सॉरी हिंदी बोलते हैं 250 और अंग्रेजी बोलते हैं 200। तो मैं इसे लिखने वाला कि एच अगर मैं निकालू एन एच बराबर, तो
तो मेरा NH बराबर आएगा 250, और N E निकालूंगा, N E निकालूंगा तो आपका आएगा 200, राइट ना। अब ये करें, 400 व्यक्ति टोटल ग्रुप में है, यहाँ कितने बैठ रहे हैं 250, मगर हमें टोटल दिया गया कितना है N A, मतलब H H यूनियन E, H यूनियन E इज इक्वल टू दे रखा है पूरा। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा मैंने बताया था कि कोई दो काम कर रहे हैं, तो पहला तो आपको इंडिविजुअल एन एक्स का मतलब इंडिविजुअल एक्स कर रहा है, इंडिविजुअल वाई कर रहा है, और एन यूनियन वाई का मतलब है कि पूरा है। मगर इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे तो दोनों से कॉमन लिया जाएगा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों कामों को रेगुलर कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, वो अंग्रेजी बोल पा रहा है, तो मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अंग्रेजी भी बोल पाऊँ, ठीक है, जब मैं अंग्रेजी भी बोल पाऊंगा तो वो भी अंग्रेजी बोल पाएगा, तो दोनों कॉमन व्यक्ति हो जाएंगे, यानी हिंदी इंग्लिश हम पे दोनों आता है। तो ऐसे भी व्यक्ति हमें बताने हैं कि जिन पर दोनों लैंग्वेज आती है, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए इंटरसेक्शन मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा रहा हूँ, और इसमें भी देखिए एन एन एच यूनियन ई आपके पास है, ओके भाई एन एच आपके पास है, ओके प्लस आपके पास एन ई आपके पास है, ओके ठीक है। अब माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई निकालना है, क्लियर। चलिए तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं, देखिए ये 400 हो गया, कितना हो गया 400, क्लियर, ये 400 हो गया, ये आपके पास 250, ये आपके पास 200, ये आपके पास N H इंटरसेक्शन E नहीं है, तो इसे मैं इधर ले लूंगा, तो ये आपके पास आएगा N H इंटरसेक्शन E, क्लियर, और ये आपका बनेगा 450 माइनस 400, टोटली आपके पास जो मेंबर होंगे 50 मेंबर ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल पाएंगे, क्लियर। यहां से आपका जो है एक ऐसे मेंबरों का ग्रुप निकला जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज चाहते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट हैं, तो बताइए दोनों ग्रुपों को मिलाकर कितने एलिमेंट होंगे। चलिए वही सिंपल, देखिए इंडिविजुअल एस की बात कह रहा है, इंडिविजुअल एस की बात कह रहा है तो 21 मेंबर उसने दिया, इंडिविजुअल टी की बात कह रहा है तो उसमें 32 मेंबर इसमें दे रखे। अब एन एस इंटरसेक्शन टी की बात कर रहा है तो इंडिविजुअल 11 मेंबर दे रखे हैं, यानी कि दोनों ऐसे हैं जो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11 मेंबर ऐसे हैं जो एस में भी और टी में भी। तो अब टोटल मेंबर क्या है कि एस यूनियन ऑफ टी फाइंड आउट करना है, जब हमें यह बताना है। देखें तो फॉर्मूला हमने बता चुके थे आपको, क्या था फॉर्मूला, एस यूनियन टी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी, ओके एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला था। तो जब ये फॉर्मूला आपके पास है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। देखिए एस यूनियन टी निकालना है, एस यूनियन ऑफ टी निकालना है, इस एन का मतलब आप समझ लीजिएगा नंबर, ठीक है, ये एन क्यों लगा दिया बार बार, ऐसा नहीं होगा, नंबर नंबर ऑफ एस यूनियन टी। तो देखें यहां पर आएगा आपके पास क्या है, एस की वैल्यू क्या है 21, टी की वैल्यू क्या है 32 माइनस आपके पास कितने हैं दोनों में शामिल 11, तो देखें इनका टोटल करके देखेंगे तो 53, कितना 53 माइनस 11 कितना आया आपके पास, ये ऐसा है जो दोनों ग्रुप में टोटल कुल मिला के मेंबर, ओके दोनों को अगर हम एक साथ खड़े कर देंगे तो दोनों मेंबर। ध्यान रखिएगा कोई हिंदी इंग्लिश दो जानता है या कोई दो एक्टिविटी करना जानता है जो कि दूसरे ग्रुप की एक्टिविटी है तो उसे दो बार काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट एक ही बार किया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है। देखिए एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं सेम है, तो करते एन एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है, और एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू 60, यूनियन वाई यूनियन, ठीक है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 10,
अब ये कह रहा है कि अवयव हो तो वाई के कितने अवयव होंगे, यानी कि हमें क्या बताना है, वाई का एलिमेंट बताना है, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुई है, इसको भी बता देते हैं जब इतना सारा किया है तो। चलिए एन एक्स यूनियन वाई इज इक्व टू एन एक्स इज इक्व टू 40, ठीक है। ओह सॉरी, मुझे फॉर्मूला लिखना था, मैं क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिखता हूँ, ये मिस्टेक हो गया था भाई, फॉर्मूला चल देखें, एन एक्स आएगा यहाँ पे प्लस एन वाई आने वाला है, एन वाई हो गया माइनस एन इंटरसेक्शन हो गया, ओके। चलिए तो इनमें वैल्यू लगा देते हैं, सर आपके पास है यूनियन की वैल्यू, हमें दे रखी है यूनियन की वैल्यू दे रखी है हमें 60, यूनियन की वैल्यू 60, एन एक्स की वैल्यू दे रखी है 40, एन एक्स की वैल्यू 40, एन वाई की वैल्यू हमें निकाल लेनी है भाई, एन एन वाई की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, ये मिस्टेक हो गया है, एन वाई की वैल्यू निकालनी है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हमें 10 दे रखा है। देखिए जब मैं इस वैल्यू को इधर लूंगा तो आपको जो मिलेगा वो वैल्यू मिलने वाली है, ये देखें वैल्यू क्या मिलने वाली है, 60 प्लस 10 माइनस 40, और ये आपके पास जो आया एन वाई की वैल्यू हो, कई की वैल्यू हुई एन वाई, 70 प्लस 40 या 30 आपका आंसर रहेगा, क्या रहेगा एन वाई, एन वाई की वैल्यू क्या रहेगी 30, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए 70 व्यक्तियों के समूह में, देखिए 70 व्यक्ति है भाई, 70 टोटल व्यक्ति कितने 70, यानी टोटल यूनियन होता है, तो मैं निकाल लेता हूँ 70 व्यक्ति है, देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें, कॉफी है और चाय, कॉफी को हम लिखते हैं सी और चाय को लिखते हैं टी, तो देखिए सी यूनियन टी इज इक्व टू 70, सिंपल, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। चलिए एन सी इज इक्व टू, एन सी इज इक्व टू यानी कॉफी पीने वाले 37 है, चाय, चाय की बात करते हैं, चाय पसंद करते हैं तो चाय पसंद करने वाले कितने भैया एन टी यानी कि 52, ये 52 हो गए भैया। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक चाय पीना पसंद, मतलब एक चीज पीना पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पीना पसंद करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन भैया कि इंटरसेक्शन निकाल लेना, टी इंटरसेक्शन ऑफ टी निकाल, यानी कि आप बताइए ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो दोनों में इंटरेस्ट लेंगे, भैया चाय भी पी लेंगे हम, कॉफी भी पी लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला को मैंने आपको याद करा ही दिया है, हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। ये हो गया इंडिविजुअल हो गया दोनों का, इंडिविजुअल हो गया, अब ये आपके पास है इंटरसेक्शन टी, तो ये हमें निकाल लेना है। तो इस वैल्यू को मैं जब निकालूंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू आपके पास आने वाली है, दोनों कितने हैं टोटल 70 मेंबर है, 70 में से आपके पास सी कितना है भैया, सी है आपके पास 37 प्लस आपके पास टी कितना है भैया, टी है आपके पास 52 और माइनस एन यूनियन सॉरी एन इंटरसेक्शन, ये एन है भाई, एन इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन टी सॉरी, इस वाले पार्ट को आप इधर ले लीजिए, इस वाले पार्ट को जब मैं इधर लूंगा तो सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा और टी की वैल्यू इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आपके पास होगा, ये होगा 89 और 89 से जब मैंने 70 को माइनस किया तो आपके पास कितना 19, यानी कि 19 कुछ ऐसे मेंबर होंगे जो दोनों चीजों में इंटरेस्ट लेंगे भैया, कितने होंगे 19 मेंबर ऐसे होंगे जो दोनों में सुट्टा मारेंगे, चाय भी पिएंगे और कॉफी भी पिएंगे, दोनों चीजें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, देखिए ये कह रहा है 65 व्यक्ति हैं, सिंपल सा पंडा भैया, 65 व्यक्ति हैं तो मैं सिंपल व्यक्तियों को देख लेता हूँ, क्रिकेट टीम में टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, टेनिस की बात करें तो क्रिकेट को हम सी से लिख देते हैं भाई, क्रिकेट को सी से, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं जो 40 व्यक्ति हैं, देखिए जो क्रिकेट और 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस को पसंद करते हैं, तो 40 व्यक्ति तो भैया केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं, ऐसे कितने हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, तो दोनों में कॉमन आएगा तो क्या आएगा, सी और टी इंटरसेक्ट, दोनों को पसंद करते हैं, कितने हैं ऐसे व्यक्ति 10, तो ये 10 हो गया,
क्लियर सब। ऐसे कितने हैं जो टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर की बात करूंगा तो सी यूनियन टी होगा, क्लियर। तो ये हो गया 65। ओके अब ये कह रहा है पसंद करते हैं, यहां तक हो गया। अभी आप देख पा रहे होंगे यहां पे लिख रहा है कि तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। केवल ऐसा बताना है जो व्यक्ति केवल, देखिए क्रिकेट को नहीं पसंद। ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने टीम में से कुछ मेंबर निकाल लिए और उस टीम में से मेंबर निकालने के साथ साथ ऐसा न हो कि वो क्रिकेट को भी पसंद करते हो, तो इस कैटेगरी को भी हमें फिल्टर करना पड़ेगा। देखें कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ये हमें बताना है, क्रिकेट को पसंद ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें फॉर्मूला क्या था, वही फॉर्मूला सेम, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी एन टी प्लस एन टी माइनस एन माइनस एन सी इंटरसेक्शन। देखो यूनियन की बात करूंगा तो 65, ओके सिंगल की बात कर रहा हूं तो 40, क्रिकेट को पसंद कर रहे थे। टी हमें निकालने हैं, टेनिस टेनिस वाले निकालने हैं। माइनस इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो 10, क्लियर। यहां से और हम वैल्यू देखें तो वैल्यू हमें जो मिलने वाली है वो वैल्यू है, देखें इधर पार्ट को लेंगे तो ये हो गया 75 माइनस 75 40 यानी कि टी आ जाएगा, कितना आया यहाँ पर 35। यानी कि आपके पास 35 ऐसे मेंबर हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, बट इसमें कंडीशन ये है कि इसमें वो मेंबर भी होंगे जो क्रिकेट टीम के हैं, इसके हैं क्रिकेट के हैं, तो वो क्रिकेट वाले हटा देंगे, क्रिकेट वाले हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए इसमें दोनों थे, बोथ थे। अगर इस वाले पार्ट को मैं इसमें से हटा दू, इस वाले पार्ट को इसमें से हटा दू तो यहाँ फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर केवल टेनिस, ओनली फिल्टर ओनली टेनिस, ठीक है टेनिस वाले बात कर लेते हैं। तो टेनिस वाले में क्या होगा कि देखिए 35 में से माइनस 10 कर दीजिए, बाकी के टेनिस वाले इसी ग्रुप में शामिल रहेंगे। तो 25 ऐसे मेंबर थे जो आपके पास कैसे टेनिस ही टेनिस खेलते, न कि क्रिकेट खेलते। ओके क्वेश्चन 7 तक आपका ये वीडियो है। अगर आपको इस से रिलेटेड कोई भी क्वायरी होती है तो मुझे आप वो इस नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ओके केवल ओनली फॉर व्हाट्सएप, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ आप मुझे मेरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, एस के स्टडी पॉइंट मथुरा के नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। एंड मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज टोटल मिलेगी। हमें अभी फॉलो करना है केवल एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी हमें पूरा कराने के बाद हम चलेंगे एडवांस लेवल। आर डी शर्मा एस चंद को क्लियर करेंगे, आर डी शर्मा और एस चंद के बाद हम चलेंगे IIT लेवल तक के क्वेश्चंस को अपनी वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।